मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए जॉय ऑफ रिम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हे एवरीवन, माय नेम इज रिमी, वेलकम टू जॉय ऑफ रिम्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम अपने कार्ट्रिज फिल्टर को कैसे साफ कर सकते हैं। तो मेरे पास है ये वैक्यूम क्लीनर जिसका नाम है कार्चर WD3 प्रीमियम। तो इसका मैं कार्ट्रिज फिल्टर आज निकाल के साफ करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें अपने कार्ट्रिज फिल्टर को साफ करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्ट्रिज फिल्टर साफ करने से पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपने पावर सॉकेट से प्लग को निकाल लिया है। तो हमें साफ करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये टूथब्रश की जरूरत पड़ेगी, और सेकंड पेंट ब्रश, और थर्ड ये डस्टबिन। तो अब हम इस वैक्यूम क्लीनर को ओपन करके कार्ट्रिज फिल्टर को निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा गंदा हो गया है मेरा कार्ट्रिज फिल्टर। मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं इसे यूज करते हुए, और मैं हर अल्टरनेट डेज पे इसे यूज किया करती हूँ। मेरा कार्ट्रिज फिल्टर कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया है। मैं रीजन आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिनों के लिए डस्ट बैग को नहीं लगाया था, उसकी वजह से सारी गंदगी मेरी कार्ट्रिज फिल्टर पे ही आ गई। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप ड्राई यूज करें तो डस्ट बैग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप डस्ट बैग नहीं लगाते हैं तो कार्ट्रिज फिल्टर पे ही सारी धूल बैठ जाएगी, और जिससे आपका कार्ट्रिज फिल्टर को साफ करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और कार्ट्रिज फिल्टर भी जल्दी खराब हो सकता है। तो अगर आपका कार्ट्रिज फिल्टर ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप इसी तरह धीरे धीरे हल्के हाथ से पेंट वाले ब्रश से पहले आपको साफ कर लेना है। और ध्यान रखिएगा कि ये पेपर का ही कार्ट्रिज फिल्टर होता है, तो आप इसे ज़्यादा तेज़ी से हाथ ना चलाएं, वरना ये फट सकता है। तो एकदम हल्के हाथ से ही आपको इसी तरह जितने भी धूल मिट्टी अंदर है आप धीरे धीरे साफ कर लीजिएगा। कार्ट्रिज के अगर दोनों साइड्स में कूड़े जम गए हैं तो उसे आपको टूथब्रश की हेल्प से साफ कर लेना है। तो अगर आपका कार्ट्रिज फिल्टर इतना ज़्यादा गंदा नहीं है तो ये सब प्रोसेस आप स्किप करके आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप जा सकते हैं। जितनी भी अंदर की गंदगी है सब मैंने साफ कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ टैप वाटर से क्लीन करने। बस ऐसे धीरे धीरे 2-3 मिनट तक आपको टैप वाटर से साफ कर लेना है। और आप लोग को एक बात का और ध्यान देना है, जो टैप से जो वाटर आ रहा है वो स्लो होना चाहिए। अगर स्लो नहीं रहेगा, फोर्स के साथ पानी आता है, तो कार्ट्रिज फिल्टर उससे ख़राब होने का चांस रहेगा। अगर आप डेली या फिर अल्टरनेट डेज पे अगर वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एवरी मंथ ही कार्ट्रिज फिल्टर को क्लीन कर लें। अगर एवरी मंथ आप कार्ट्रिज फिल्टर को क्लीन करेंगे तो डायरेक्ट आपको टैप वाटर से ही सिर्फ क्लीन करना होगा, और सारे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये कार्ट्रिज फिल्टर अच्छे से अब साफ़ हो गया है। अब हम इसे धूप में रख देंगे। फिर हम नेक्स्ट डे चेक करेंगे कि कार्ट्रिज फिल्टर अच्छे से सूख गया है कि नहीं। अगर सूख गया है तो हम इसे वैक्यूम क्लीनर के अंदर लगा देंगे।